सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। सियासत में कोई भाई भी नहीं होता, बेटा भी नहीं होता, समझी की क्या औकात है। ठीक है सही, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अपना हो या पराया, किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अबू मैं अम्मी की कसम खाती, मेरे और शहाब भाई के रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अफसोस है रहा, तुमने अपनी मरी हुई माँ की छोटी कसम खाई। रानिया बहुत परेशान लग रही थी, तो रो रही थी बकायदा। मैंने उससे पूछने की कोशिश की परेशानी, लेकिन उसने बताया ही नहीं कि हुआ क्या उसके साथ। मेरा ख्याल है कि तुम उसके घर चले जाओ ताकि पता चले बात क्या है। ओए बेटा, माँ और बाप की अपनी अपनी जगह अहमियत होती है। माँ के सीने से लग के बच्चे को सुकून मिलता है, लेकिन बाप पास हो तो उसको तहफ्फुज का एहसास होता है। मगर बाबा साईं आप, ओए बस अगर मगर कुछ नहीं, अभी के अभी हवेली जा तैयारी कर। अगर इनकार किया ना तो हाकिम अली में अभी इतना दम है कि तुझे घसीट कर हवेली ले जाऊंगा। बाबा साईं गुस्सा क्यों करते हो, आप बड़े हो साईं, आप जूते मार के ले जा सकते हो। ठीक है, जो हुक्म आपका, मैं जाता हूं। बस तैयारी कर। क्या वाकई लुबना ठीक कह रही है कि मैं रानिया के साथ ज्यादती कर रही हूँ, और जो कुछ मैंने अबू से कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। अगर मैं अगर उनसे नहीं कहती तो किससे कहती। एक वही तो है जिन्होंने मेरी बात समझी। अगर मैं सही हूं तो फिर मुझे गिल्टी क्यों फील हो रहा है। किस गहरी सोच में? कुछ नहीं, जितनी गहरी सोच में थी उससे तो साफ जाहिर है कि किसी अहम बात के बारे में सोच रही थी। लेकिन ये और बात है कि तुम मुझे बताना ना चाहो। आंटी दरअसल मैं रानिया के बारे में सोच रही थी, कहीं वो बेकसूर तो नहीं। बेटा ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख के भी रानिया पे यकीन करना चाहती हो, लेकिन ऐसी अच्छाई का क्या फायदा जो तुम्हारे घर को जलाकर तबाह बर्बाद कर दे। देखो बीबी, आजकल के जमाने में अच्छाई और सादगी को लोग बेवकूफी समझते हैं। जैसे कि तुम्हारी बहन रानिया तुम्हारी सादगी और अच्छाई को बेवकूफी समझकर तुम्हारे दिलो दिमाग पर राज करती रही, और आज भी तुम्हारे दिमाग पर हुकूमत कर रही है, और इसी वजह से वो इस घर की रानी बनना चाहती है। राबिया जरा सोचो तो सही कि आज तक कोई भी ऐसा काम है जो तुमने उसके मशवरे के बगैर किया हो। यहां तक तुम्हें याद है ना कि शादी की शरवानी भी शहाब ने उसकी मर्जी से बनाई थी। याद है, अच्छी तरह याद है। अभी बेटा अगर तुम रानिया को बेकसूर समझती हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। आगे जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो। नहीं, वो बेकसूर नहीं है, मुजरिम है वो मेरी। अब तक वो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करती आ रही है, लेकिन अब मैं उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी।
तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? किसने कहा था कि अब्बू के सामने आकर कहो शहाब भाई का फोन आया है? वो रानिया बाजी, आपने तो बताया ही नहीं था कि शहाब साहब के फोन का जिक्र नहीं करना। आपने मना तो नहीं किया था? जाओ, चली जाओ यहाँ से, अपना काम करो जाकर। हाँ रानिया, कैसी हो तुम? मैंने फोन किया था, नूरी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ है? कुछ भी ठीक नहीं हो सकता शहाब भाई। मतलब? राबिया आपी ने अब्बू को फोन करके अपने सब वहमों को सच साबित करके अब्बू को मुझसे बदगुमान कर दिया, और मजीद ये कि अब्बू ने मुझे आपकी गाड़ी से उतरते हुए देख लिया। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं अंकल से बात करूंगा। शहाब भाई, क्या आप अब्बू के सामने मेरी पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं? आप उन्हें समझाएं कि मैं ऐसी नहीं हूं। आप तो जानते हैं कि मैं हर चीज ऐसी नहीं हूं। मैं तो रानिया, मैंने कहा ना तुम फिक्र नहीं करो, मैं अंकल से बात करूंगा। जब तुमने कुछ किया नहीं है तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? आपको पता है शहाब भाई, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मैं मुजरिम ना होते हुए भी अपने आप को मुजरिम तसव्वुर कर रही हूँ। देखो तुम परेशान ना हो, मैं अभी आ रहा हूँ, और तुम देखना अंकल के सामने सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। पता नहीं ये मुमकिन भी होगा या नहीं। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं शाम में आता हूं, ओके? ठीक है, अल्लाह हाफिज। साईं आप आ गए? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने बैठे हैं। क्यों भाई, तुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर? बाबा तेरे सामने बैठा हूं तो जाहिर है आगे आऊंगा ना। एक तो फिल्मों ने तुम औरतों का दिमाग खराब कर दिया है, हर बात में ड्रामा घुसड़ती हो। ये बता छोकरा कैसा है, बुखार उतरा है कि नहीं? साई डॉक्टर देख के तो गया है पर दवा ने असर नहीं किया। लगता है शहर लेकर जाना पड़ेगा इसको। अभी साई? ना ना अभी नहीं, सुबह सुबह लेकर जाऊंगा इसको। साई मैं भी साथ चलूं। तू क्या करेगी साथ चल के? साई बच्चे को संभालने के लिए। बच्चे को संभालने के लिए बच्चल की बीवी साथ जा रही है ना, वो भी बाल बच्चों वाली औरत है, संभाल लेगी इसे। साई ऐसी भी क्या बात है कि मैं अपने ही बच्चे को संभालने के लिए साथ नहीं जा सकती? ये बात है कि आप मुझे शहर ही ले जाना नहीं चाहते? क्या ऐसी बात है जो छुपा रहे हैं आप मुझसे साईं? मेरे साथ उल्टी सीधी बकवास मत किया कर, तेरी इन्हीं बातों से मेरा यहाँ आने को दिल भी नहीं करता है। आज भी अगर बाबा साईं ने ना कहा होता तो कभी नहीं आता यहाँ। सब कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अब तुझे ये पता लगाना है कि तेरे साईं की जिंदगी में कोई औरत है या नहीं? बेफिक्र रहे बीबी साईं, अब मुझे बच्चल से या वहां जाके कुछ पता चला तो मैं आपको फौरन बताऊंगी। Hisar-e-Ishq।
जो मैं सोच रही हूँ अगर वो सच हुआ तो मैं ये सब कैसे फेस कर पाऊंगी? ये मेरे इर्द गिर्द बसने वाले लोग मेरी जिंदगी को कितना मुश्किल कर देंगे। क्या मैं अम्मी को बता दूं? नहीं, इस खबर से जाने उनके दिल पर क्या बीते। ये सब सुनकर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करें। मैं भी क्या अजीब मुकद्दर लेकर पैदा हुई हूँ। खुशी की खबर भी इन हालात में इस तरह मिली के रूह पर एक बहुत सा आन पड़ा। ये खुशी किसी के लिए भी खुशी नहीं बल्कि एक सजा, एक ताना, एक और आजमाइश है। मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए लेकिन अगर डॉक्टर ने मेरे खौफ की तस्दीक करते हुए इस यकीन की सनद दे दी तो फिर शाह भाई ने कहा था कि वो अबू को समझाने आएंगे और अब तो आधी रात हो चुकी है। क्या उन्हें ये एहसास नहीं कि हर गुजरता पल मेरे लिए कितना मुश्किल है? नहीं, यहाँ सारे ही लोग बेहिस हैं, इसीलिए तो उन्होंने अपना मोबाइल तक ऑफ कर रखा है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना, शाह भाई की तसल्लियों पर यकीन कर लिया, एक बार भी नहीं सोचा कि जब मेरी सगी बहन मेरे साथ ये सब कर सकती है तो किसी गैर को मेरे दुख का क्या एहसास होगा। रानिया बाजी, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रही हैं? बदलते मौसमों की तरह लोगों को भी बदलते देखा है मैंने। उंगली सभी लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? किसी को अपनी जात के अलावा कुछ नजर क्यों नहीं आता? रानिया बाजी, आप अपने कमरे में जाएं, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। जिनके मलाल में आज तक जो औरत भी मेरी जिंदगी में आई है नजरों में ही रही, उसे खिलौना बनाकर दिल बहलाया और भूल गया। मगर गुलनार में जाने क्या बात है कि नजरों में ही नहीं दिमाग में भी बैठ गई है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन वो मेरे दिल में भी बैठ जाएगी। बीबी साईं, बच्चल की घरवाली है? जी बीबी साईं। इधर आप, बात कर रही है कुछ? और बच्चल जैसा आदमी है वैसा आदमी तो अपनी घरवाली से कुछ छुपाता नहीं है, ठीक कहा ना मैंने? जी साईं। तो तेरा बच्चल क्या कहता है साईं के बारे में? बीबी साईं, वो तो साईं के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता है और कहता है कि मेरे साईं के जैसा कोई नहीं है। और क्या कहता है? और किस बारे में साईं? तू बैठ जा, बैठ कर बात करते। किसी औरत के बारे में क्या कहता है? ना साईं, ना कभी किसी औरत के बारे में तो उसने कोई जिक्र नहीं किया।
मगर देख ले, अब तुझे ये पता लगाना है कि तेरे साईं की जिंदगी में कोई औरत है या नहीं। तो बीबी साईं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि साईं की जिंदगी में कोई औरत है? पागल है तू भी, भला बीवी से पहले किसे खबर होती है कि उसके घर वाले की नजरें बदल गई है। अब तुझे मुझे पल पल की खबर देनी है। देख, अगर अपना काम ध्यान से करेगी तो इनाम भी मिलेगा। बेफिक्र रहें बीबी साईं, अब मुझे बच्चल से या वहां जाके कुछ पता चला तो मैं आपको फौरन बताऊंगी। शाबाश, अब जा, जाके अपना काम कर। जी बीबी साईं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। गुलनार, आ बेटा नाश्ता कर लो। मम्मी मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब है भूख नहीं है? अपनी शक्ल देख रही हो, बिल्कुल हल्दी का रंग हुआ है तुम्हारे चेहरे का। क्या क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई है और तुम्हारी जर्द रंगत के पीछे कोई गहरा राज है। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं क्यों आपसे छुपाऊंगी? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बातों में कोई रबती नहीं है? जी परेशान हो? अभी मैं ठीक हो जाऊंगी। आप बिना वजह आपको ऐसे लग रहा है? नहीं, तुम ठीक नहीं हो। ऐसा करो, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, कम से कम मेरी भी तसल्ली हो जाए। डॉक्टर? अगर डॉक्टर ने अम्मी को बता दिया तो मैं बड़ी मुश्किल में आ जाऊंगी और उसके बाद मैं अम्मी को फेस नहीं कर पाऊंगी। कहीं ये खबर मेरे भाइयों तक पहुंची तो वो आसानी से इस बात को अपनी इज्जत और गैरत का मसला बना लेंगे। उसके बाद जाने कहां तक ये बात फैल जाए। फिर कहां खो गई? नहीं कहीं नहीं, दरअसल अभी मैं छुट्टी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं ना, तो उसी सिलसिले में मिसेस महमूद ने एक मीटिंग रखी है। हो सकता है मुझे वापसी में देर हो जाए। सुनो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं नहीं अम्मी, आपको ही ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ। रानिया बाजी, उठ जाएं। रानिया बाजी, उठ जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। क्या हुआ? 9 बज गए हैं। क्या पागल लड़की, इतना टाइम हो गया और तुम मुझे अब उठा रही हो? जल्दी जाओ नाश्ता बनाओ वरना अब लेट हो जाएगी। साहब तो कब के चले गए? कहाँ चले गए? वो असल में शहाब साहब का एक्सीडेंट हो गया है। शहाब भाई का एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? ये तो नहीं पता, बस उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं आपका ख्याल रखूँ और आपको बाहर ना जाने दूँ। हिसार-ए-इश्क़।
उस रात जो आपको हार्ट अटैक हुआ था, उस रात को वो आलम के साथ एक होटल के कमरे में, पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया और काफी देर पुलिस स्टेशन में भी रखा। वो स्कूल वाली आपा बता रही थी कि आज आते के साथ ही तुम्हें बहुत उल्टियां हुई हैं, बस जरा वीकनेस ही फील हो रही है। पता है क्या, जब मेरा बेटा हुआ था ना, उस वक्त मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत थी। काश मैं भी एक बेदीन शख्स होता और तुम परसों पहले मेरे घर में पैदा हुई होती। मैं पैदा होते ही तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर देता। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा हिसारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, जीने का सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी।